नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पार्ट 11। सबसे पहले मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि यदि आपको परसेंटेज चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, उसके बाद आप सभी पार्ट देखिए। आपको हर एक पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। यदि फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। और यहाँ तो आपको फ्री क्लास चल रहा है, आपको ये चीज़ें हमेशा हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं परसेंटेज से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे। चलिए अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है कि यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा 7.5 रुपया है, ठीक है, हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी के खर्च में कोई अंतर ना हो। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर कोई खर्च में कोई अंतर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझना है। कह रहा है कि प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया हो गया, यानी कितना रुपया बढ़ गया, तो 1.5 रुपया आपका बढ़ गया। ठीक, अब कह रहा है कि तो एक व्यक्ति को अपने चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करना चाहिए, यानी कि वह चीनी के पर कितना कमी करे कि चीनी के खर्च पर कोई अंतर ना हो, यानी कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये एक तरह से इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है, इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि 1.5 रुपया बढ़ गया है, चीनी का मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है, 1.5 रुपया का वृद्धि हुआ है। और यह जो 1.5 रुपया का वृद्धि हुआ है यह किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, तो 6 रुपया के रिस्पेक्ट में हुआ है, क्योंकि 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया हुआ है। ध्यान देना है आपको, मैंने पहले भी आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो इस तरह से आपको 1.5 रुपया बढ़ गया है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है हमको, तो इस तरह से आपको 6 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है 1.5 रुपया, और गुना 100 हो गया। तो हम इसको जब कटाएंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे ये 6 60 हो जाएगा, 15/60 × 100 हो गया। तो 15 से 60 को कटाएंगे 4 बार में कटेगा, और 4 से 100 को कटाएंगे 25 बार में कटेगा। इस तरह से आपको जो वृद्धि हुआ 25% का हुआ। ध्यान रखिएगा कि वृद्धि कितना का हुआ, तो 25% का आपको वृद्धि हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो व्यक्ति है अपनी चीनी की खपत में कितना प्रतिशत का कमी करे कि चीनी के खर्च में कोई अंतर ना हो। तो यहाँ तो वृद्धि हो गया है, हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब आपको बढ़ोतरी हो या कमी हो तो सबसे पहले उस लाइन को आपको देखना है। इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन में पहला जो लाइन है वह देखना है आपको। तो इसमें आपको प्रतिशत में जो पहला लाइन है वह क्या है, 25% वृद्धि, 25% वृद्धि। और इसमें अब पूछ रहा है कि खर्च अप्रभावित रहे, व्यक्ति को कितना कमी करना चाहिए 25% वृद्धि होने पर कि खर्च अप्रभावित रहे। तो इस तरह से आपको 25 को ऊपर लिख देना है और वृद्धि है तो नीचे ले आ करके इसको 100 से प्लस कर देना है, तो 125 हो जाएगा बट्टा में, और गुना में 100 कर दीजिए आप। इस तरह से आपको 25/125 गुना प्रतिशत के लिए 100 से गुना, और 25 से 125 5 बार में कटेगा, और 5 से आपको 100 जो है वह 20 बार में कटेगा। इस तरह से आपको 20% की कमी कर देनी चाहिए। तो यह जो है आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मनीषा को खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तक क्रय करने में खर्च करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करती है। अब बची राशि का 10% गरीब को दान कर देती है और अंतिम शेष धन राशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करती है। यह राशि 13.50 रुपया है,
तो उसके खर्च की कुल धन राशि कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि मनीषा को खर्च हेतु तो कुछ धनराशि मिलती है। मान लिया कि कुछ धनराशि आपको एक्स मिलती है उसको, क्योंकि धनराशि के बारे में चर्चा नहीं है, तो यहाँ हम एक्स मान लेते हैं धनराशि को। वह उस राशि का 20% पुस्तक क्रय करने में खर्च करती है, तथा जितना वह खर्च की है उसका जो शेष बचता है उसका 25% स्टेशनरी पर व्यय करती है, और वह खर्च करने के बाद जो बसा धनराशि है उसका 10% वह गरीब में दान कर देती है, और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करती है। और जो मिष्ठान खरीदने की धनराशि है वह 13 रुपया 50 पैसा है, तो उसके खर्च की कुल धनराशि कितनी है? ठीक है, तो 13 रुपया 50 पैसा में वह मिष्ठान खरीदती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अब उसकी कुल धनराशि यहाँ पूछ रहा है कितना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स का यानी 20% यदि 100% में वह खर्चा कर दी तो उसके पास बचा कितना? 80% तक का 80%। अब इन दोनों का यानी जो शेष बचा उसका 75% फिर बचता है। कैसे? तो 25% स्टेशनरी पे खर्च कर दी 100% में, तो बचेगा कितना? 75% तक का 75%। और फिर कह रहा है कि अब जो खर्चा हुआ उसका 10% वह गरीब को दान करती है, तो बचा कितना? 90% तक, गुना 90%। और टोटल धनराशि जो बचा मिष्ठान खरीदने के लिए वह 13 रुपया 50 पैसा था। इस तरह से टोटल जो आपका बचत है वह मैंने बैलेंस कर दिया। अब देखिए बचत दोनों तरफ बैलेंस है, इस तरह से आपका इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम आगे इसको बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना भी आपको प्रतिशत है, चाहे वह 30% हो, 20% हो, 25% हो, 80% हो, 95% हो, आपको उसका जो भिन्न मान है वह मूल्यवानी आपको याद रखना है। इस तरह से 80% का भिन्न मान आपको आ गया 4/5, 75% का भिन्न मान 3/4, और 19% का भिन्न मान आपको 9/10। तो गुना सबको हमने कर दिया, इस तरह से आपको कटा देना है सबको। कटेगा आपका यहाँ पे 4 से आपको 4 कट जाएगा, और इस तरह से आपको 3 चौके, और यहाँ पे 1350 है तो 1350/100 कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो। और यहाँ पे आपको 3 और 9 से 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 27 और यहाँ 15, तो 15 से आपको कट जाएगा, 15 नवा 135, और ये नीचे से 0 से 0 कट गया, तो 15 बचा, और 3 से 15 कट गया 5 बार में। अब आपको जो बच गया 5, तो 5 को जब हम इधर ले आके गुना करेंगे भागा में से, तो यह 5 5 25 हो जाएगा, यानी टोटल जो उसका धनराशि था वह 25 था। टोटल धनराशि यानी जो कुछ राशि लेके वह मार्केट गई थी वह 25 रुपया था। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन आपको करवाया है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी? यहाँ पे देखिए बचत दिया हुआ है, 480 रुपया उसके पास बच गया, तो हमको बचत ही बैलेंस करना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा आपकी मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी यह पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि उसके पास जो मुद्रा राशि कुल थी वह 100 रुपया थी। क्या थी? 100 रुपया। अब उसके पास मुद्रा खो देता है वह 20%, यानी कि उसके पास बचता कितना है 20% खोने के बाद? 80%। तो एक्स का 80% अशेष, यानी एक्स का 80% खोने के बाद जो मुद्रा था उसके पास उसका 25% फिर वह खर्चा करती है। तो इस तरह से आपको जब खर्चा वह आदमी 25% करता है तो बचत कितना है उसका? 100 में से 25 घटे 75%। तो एक्स का 80% का 75% हो गया, और टोटल बचत है उसका 480 रुपया। इस तरह आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया बचत के रूप में। अब हम इसको कटाएंगे इसका भिन्न मान पर, क्योंकि भिन्न मान से अगर कटाइएगा तो जल्दी कटेगा और आपका कंपटीशन में जो समय है
उसका बहुत बचत होगा। तो आपको ये चीज़ मोजबानी याद रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया है। एक्स का 80% का मान होता है 4/5 गुने 75% का मान 3/4 इक्वल टू 480। तो इस तरह से आपको 4 से 3 से और ये आपका कट जाएगा 12 चौके 48 और यहाँ पे आपको 40 से कटेगा यह। और इस तरह से आपको एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे आ गया 5 चौके 20। तो इस 20 को अगर हम भागा में है तो गुना में ले जाकर गुना करेंगे 40 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8 यानी 800 रुपया उसके पास कुल धन राशि था। इस तरह से कुल धन राशि आपका निकल गया। हाँ अब हम बता देते हैं आपको ये 80% जो है इसका भिन्न मान 4/5 कहाँ से आया। तो 80 का बट्टा 100 हो जाएगा 80% का मान, तो 0 से 0 कट गया, आई 4 दूनी 8 कट गया और 5 दूनी 10, तो 4/5 आया। अब 75% का आपको 75/100 हो गया मान, इस तरह से आपको ये कट गया और ये भी कट गया, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 3/4 इस तरह से आपको ये आया है। तो मुझे आशा है कि आप ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको प्रतिशत चैप्टर अच्छे से सीखना है तो आप इंट्रोडक्शन क्लास से मेरा देखिए, आपको हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आया तो, और आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। चलिए मैं अब विदा लेता हूँ, धन्यवाद।